बिहार के जेल एआईजी के ठिकानों पर छापेमारी में करोड़ों की अवैध संपत्ति का खुलासा हुआ है। बिहार झारखंड नोएडा बेंगलुरु में कई प्लॉट और फ्लैट के कागजात मिले हैं। पटना में 3 करोड़ की लागत का भव्य मकान मिला है। मकान में लाखों रुपए का साज सज्जा का सामान लगाया गया है। छापेमारी में 5,80,000 नगद मिले हैं। 50 लाख रुपए के गहने मिले हैं। पटना में मकान की कीमत 3 करोड़ आंकी गई है। कई विनिवेश के कागजात मिले हैं और कई बैंक अकाउंट्स, कई एटीएम मिले हैं, जिसकी जांच की जा रही है। भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति करप्शन के खिलाफ भी जारी है। राज्य सरकार की 3 एजेंसी आर्थिक अपराध, स्पेशल विजिलेंस यूनिट और निगरानी लगातार कार्रवाई, लेकिन जैसे जैसे दिन भर जैसे जैसे समय आ रहा है वैसे वैसे ऐसे ऐसे लोग इस शिकंजे में फंस रहे हैं जिसके बारे में कहना मुश्किल है। स्पेशल विजिलेंस यूनिट की टीम ने रूपक कुमार एआईजी जेल के जब 2 ठिकानों पर छापेमारी की तो विजिलेंस की टीम के भी आंख फटे खड़े रह गए। लाखों रुपये तो मिले ही, इसके साथ साथ बिहार, झारखंड, दिल्ली, बंगलौर सहित कई जगह फ्लैट और भूखंड के कागजात मिले। लगभग 50 लाख से ज्यादा का जेवरात मिले हैं। कई विनिवेश के कागजात मिले हैं, कई एटीएम मिले हैं, कई खाते मिले हैं जिनमें लाखों रुपए होने की संभावना है, उसकी जांच की जा रही है। विजिलेंस को इस बात की सूचना मिली थी कि इन्होंने भ्रष्ट तरीके से अकुश संपत्ति बनाई है और उस अकुश संपत्ति बनाने के मामले में एक शिकायत आई। उस शिकायत के आधार पर कार्रवाई शुरू हुई। जांच टीम ने पाया जो शिकायत थी वो शिकायत सही थी और रूपक कुमार ने लगभग करोड़ की संपत्ति बनाई है। इनके जिस आवास पर, इनके जिस घर पे छापेमारी की गई वो घर आलीशान है और वो घर लगभग 50 लाख रुपए से अधिक का बताया जा रहा है। फिलहाल सभी कागजात की जांच चल रही है। कल लगभग देर रात छापेमारी खत्म हुई है, कागजात की जाँच चल रही है। कई राज्यों में इनके संपत्ति मिले हैं, भूखंड मिले हैं, फ्लैट मिले हैं। गुड़गांव, दिल्ली के साथ साथ नोएडा में इनके संपत्ति के कई कागजात मिले हैं, कई बैंक खाते हैं, उन्हें सील किया जा रहा है। लॉकर के बारे में भी जानकारी मिली है। फिलहाल देखना होगा कि आय से अधिक संपत्ति का मामला किस हद तक चल पाता है या जो 1,50,00,000 से अधिक की आय से संपत्ति का मामला दर्ज हुआ था ये उससे बहुत ज्यादा आगे जाता दिख रहा है। मरकुबालम, कशिश न्यूज, पटना।